BPCL 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र सर, आज आपका टेक्निकल का पार्ट 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल से संबंधित लेकर के आया हूँ। और हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर दिए हैं। और बच्चों, UPBCL में जो टेक्निकल का सिलेबस होता है, उस सिलेबस का भी मैंने वीडियो बना रखा है। और आप टेक्निकल के सिलेबस के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा। दो वीडियो में UPBCL टेक्निकल का सिलेबस मैंने बनाया है, दोनों के दोनों वीडियो आपको आई बटन पर और इन स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बेटा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए देखते हैं, यहाँ प्रतिरोध के नियम से संबंधित आज आपका टॉपिक है। और ये प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं, प्रतिरोध के नियम से संबंधित आपका टॉपिक है। और इसमें किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है, चालक की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है। हमारे कहने का ये मतलब है, यदि कोई चालक पहले 20 मीटर का था और इसके बाद उसको जो है ना 30 मीटर कर दिया गया, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो जो पहले चालक था 20 मीटर का, उसके बाद ये 30 मीटर का जब चालक हो गया, तो 20 मीटर की अपेक्षा 30 मीटर वाले चालक का, मतलब लंबे चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से ज्ञात हो सकता है कि जब चालक की लंबाई बढ़ती है तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात किसी चालक की लंबाई घटने पर उसका रेजिस्टेंस भी घट जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही था। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि चालक का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, जो ए होता है क्षेत्रफल, ए इक्वल टू होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर इसमें त्रिज्या होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है, चालक का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये बता रहा, यदि कोई चालक तार पहले जो है कम क्षेत्रफल का है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और इसके बाद अगर इसका ये ज़्यादा हो जाता है, तो इस पोजीशन में जो पतला तार होगा इसमें धारा का मान कम जाएगा, और जो अधिक व्यास का जो तार होगा इसमें जो धारा का मान होगा तो बेटा इसमें अधिक जाएगा, क्योंकि इसका व्यास अधिक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, दो पानी के पाइप लीजिए, एक पाइप लीजिए पतला और एक लीजिए मोटा। जो पतला पाइप होगा उसमें पानी कम जाएगा, मतलब पतले चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में तो धारा प्रवाहित होती है। और जो मोटा चालक है, पानी के पाइप के समान बेटा ये व्यवहार करते हैं, तो जैसे ये मोटा चालक है तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा जाएंगे उतने धारा अधिक बहेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट आपका नियम जो है, ये बताया गया है कि प्रतिरोध चालक के तापमान पर निर्भर करता है। ये बताया गया है कि अगर कोई चालक है, क्योंकि चालक भी भिन्न भिन्न होते हैं, एक होता है मिश्र धातु का बना हुआ चालक, एक होता है शुद्ध धातु का बना हुआ चालक, और होते हैं अर्ध चालक, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग चालक भी होते हैं, तो अलग अलग चालकों का प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा है कि भिन्न भिन्न धातुओं से बने हुए चालक, भिन्न भिन्न धातुओं से बने हुए चालक, जैसे सोने का तार खींचा गया, चांदी का खींचा गया, लोहे का खींचा गया, कॉपर का खींचा गया, तो अलग अलग धातुओं से तार ये खींचे गए प्रतिरोध के, तो भिन्न भिन्न धातुओं से समान व्यास और समान लंबाई के अगर चालक होंगे तब भी उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। यदि एक ही धातु के समान लंबाई और समान व्यास के अगर कोई चालक खींचे गए तो उनका रेजिस्टेंस एक समान होगा। यदि दो भिन्न भिन्न धातुओं के तार अगर समान लंबाई समान व्यास के खींचे गए हैं तो दोनों चालकों का रेजिस्टेंस भिन्न भिन्न हो जाएगा। जब धातुएं भिन्न भिन्न होंगी तो चालक की लंबाई और उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र बराबर होने पर भी चालक का जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगले पद में क्या है। पॉइंट नंबर 5, अपनी कॉपी पर इनको डाल लेना और लिखते जाइएगा। अभी ये बेसिक चल रहा है, इसको इस वजह से आपको लग रहा होगा कि जितेंद्र सर तो बस हल्के में पढ़ा रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारा प्रत्येक दिन का जो वीडियो बनेगा, हर दिन UPBCL के लिए सोना साबित होगा। और आपने जिस दिन का वीडियो अगर छोड़ दिया, किसी भी दिन का वीडियो छोड़ दिया, मान लीजिए कि आपने सीधे नंबर छोड़ दिए, तो बेटा इसके बाद यहाँ पर आपने क्या फाइंड कर लिया, आर समानुपाती एल, और आपने फाइंड कर लिया
आर जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा पहले नियम और दूसरे नियम दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एल बटे ए। अगर हम इसको समानुपात का निशान जो हटाते हैं तो आर इक्वल टू एक यहाँ पर नियतांक आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा एल बटे ए। अब इसमें सभी पैरामीटर क्या क्या हैं, आर जो है इसको प्रतिरोध कहते हैं, इसको प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ओम के सम्मान में सर जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में इसका मात्रक ओम रखा गया और ये प्रतिरोध का एस आई मात्रक है। प्रतिरोध का एक मात्रक और होता है आर इक्वल टू वी अपान आई, इसी से निकलेगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो वोल्ट एम्पियर जो होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इस मात्रक को प्रायोगिक मात्रक और इस मात्रक को एसआई मात्रक कहा जाता है। इसके बाद एल जो है ये है आपकी चालक की लंबाई, ये किस में ली जाती है तो बेटा ये ली जाती है मीटर में, ठीक है। इसके बाद आपका ए आया, जो ए होता है ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र और इसको ए बराबर जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 रख सकते हैं, जबकि आर बराबर यहाँ पर चालक की त्रिज्या होती है। अगर यहाँ पर किसी चालक में व्यास अगर दिया गया है तो व्यास को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस हिसाब से आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपका हो जाएगा ए बराबर पाई और आर के स्थान पर जो डी व्यास होता है किसी चालक में ये 2 त्रिज्या होता है। मतलब त्रिज्या, ये अगर कोई सर्किल है इसका यहाँ से यहाँ तक अगर व्यास है इसकी त्रिज्या जो होगी ये आधी होगी और व्यास ये डबल होगा, मतलब 2R कर देंगे तो ये डी के बराबर हो जाएगा। अगर अब यहाँ से आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई टू। अब डी बाई टू यदि हम यहाँ आर के स्थान पर रखेंगे तो ये डी बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा यहाँ से हो जाएगा ए पाई डी स्क्वायर बाई 4। जब व्यास दिया होगा तब हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्र निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और जब त्रिज्या दी होगी तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इसके बाद आपका बचा हुआ है इसमें ये वैल्यू, ठीक है। अब इसको बताते हैं विस्तार पूर्वक क्योंकि इससे रिलेटेड, इस चिन्ह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए दिन पूछे जाते हैं। इस चिन्ह का नाम होता है बेटा प्रतिरोधकता या प्रतिरोध पाप गुणांक, ठीक है ना, इसको प्रतिरोधकता कहा जाता है। प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता का संकेत है और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्रतिरोधकता का संकेत है, रो इसका नाम है, इसको कहते हैं रो, ये इसका संकेत मतलब नाम है। और ये जो चिन्ह होते हैं जो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा पाई साई डेल्टा, ठीक है, ये सभी जो संकेत जो लिए जाते हैं ये सभी ग्रीक अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। ग्रीस देश से ये लिए गए हैं तो इनको सभी को ग्रीक अक्षर कहा जाता है। तो बेटा चलते हैं अब प्रतिरोधकता के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं, इनको आप कॉपी पे नोट कर लेना अपना। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। इसी का एक दूसरा नाम होता है प्रतिरोधकता। और इसको इस रो संकेत अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पी जैसा होता है परंतु थोड़ा सा तिरछा होता है, रो इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, इकाई घन इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच
इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में नहीं आई, बताते हैं। यहां लिखा है कि इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस बात को बारीकी से समझते हैं। आप लोगों ने घन या घनाभ सुना होगा। यहां बोला गया बेटा घन, तो हम बनाते हैं सबसे पहले घन। ये आपके सामने एक घन बन गया, ठीक है। यहां एक घन बनाया गया है। अब इसमें इसके ये सिरे और ये सिरे जोड़ दिए गए, तो ये घन बन गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसके विपरीत फलक, तो बेटा इसके विपरीत फलक कौन कौन से होंगे जरा ध्यान देना। इसका विपरीत फलक होगा, एक होगा आपका ये वाला और इसके विपरीत में जाएगा आपका ये, ठीक है। और जो ये वाला फलक होगा इसके विपरीत में जाएगा ये, जो ये वाला फलक होगा इसके विपरीत में जाएगा ये। मैं लिख दे रहा हूं, एक्स के विपरीत में वाई होगा, ए के विपरीत में बी होगा, पी के विपरीत में के होगा और आर के विपरीत में एस होगा, ठीक है। इस वाले के विपरीत में ये होगा। अब बात को और आराम से समझते हैं। जैसे मान करके चलिए कि एक यहां मैंने कोई पटल बनाया और इसका विकर्ण देखते हैं, तो इसका विकर्ण ये होगा, ध्यान देना जरा हमारी बात पर, इसका विकर्ण ये होगा। अब इस विकर्ण को हम विशिष्ट प्रतिरोध नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए हमको 3D चाहिए, तीन डायमेंशन चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि यहां पर घन की बात किया है। घन में आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, तो यहां पर 3D, प्रत्येक पॉइंट पर 3D है। तो यहां क्या करते हैं कि कोई, अब इसके लिए 3D कैसे बनेगा बेटा, यहां देखिए जरा, इस पोजीशन में ये रहेगा कुछ, इस पोजीशन में, तो ये 3D में कुछ ऐसे बनेगा। अब इस वाले को कहां से कहां जोड़ा जाएगा, देखिए, अब इस वाले पॉइंट को यहां ना जोड़ करके इसको लेकर के जाते हैं, कहां जोड़ते हैं जाकर के, इस वाले से, तो इसको हम 3D कह सकते हैं। जैसे रूम का अगर कोई नीचे वाला एक कोना है, रूम का एक कोई आपके पास वाला कोना है, तो उसी के सीध में नीचे नीचे जस्ट तिरछे विकर्ण में जाइए और फिर ऊपर छत की तरफ चले जाइए। छत जो सामने वाले छत का कोना होगा वहां से आप आइए जस्ट आपके पास एक विशेष कोने में, ठीक है ना। तो इसका जो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा, यहां से जो विकर्ण खींचा जाएगा यहां तक, इसको कहा जाएगा ये सभी, जबकि इनकी सभी की लंबाई एक एक मीटर होगी, एक एक मीटर होगी सभी की लंबाई, उस अवस्था में इसको जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। इकाई घन के विपरीत फलकों के बीच जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है घन के रूप में, तो जो घन होता है, अब इसके फॉर्मूले के आधार पर समझते हैं। तो बेटा जैसे मान करके चलिए हम घनाभ का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। जैसे आपने लिखा कि घनाभ का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, जो घनाभ निकालते हैं, घनाभ का विकर्ण लिखते हैं, ठीक है ना, घनाभ का विकर्ण, जो घनाभ का विकर्ण होता है, तो बेटा इसमें होती है तीन विमाएं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई h, ठीक है ना। इनका सभी का स्क्वायर कर दीजिए, इसके आधार पर आप विकर्णों को निकाल सकते हैं। जो घनाभ का विकर्ण होता है, ठीक है ना, यही आपका, जब हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो रो होगा ये सेम इस फॉर्मूले के आधार पर निकाला जा सकता है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर तीन विमाओं का डायमेंशन लेकर के और उसका विकर्ण जो बनेगा, जाके तीन भी, कोई भी भुजा है जो सबसे लंबी भुजा आपके रूम में होगी वो आपका होता है विकर्ण, और उसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। शायद हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध को अन्य नाम प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, तो ये बेटा मात्रक जो होता है
ओम मीटर होता है। ये मात्रक कहाँ से आया है, मैं मात्रक का आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। जो R बराबर अभी आपने लिखा था रो एल बटे ए, तो ये रो जो होता है ये बन जाएगा आपका R ए बटे एल। R जो होता है इसका मात्रक ओम होता है, ये आपका है एरिया, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, और नीचे होता है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा इसका मात्रक होगा मीटर गुणे मीटर, एक मीटर से एक मीटर काट दीजिए, और यहाँ जो आपका बचा वो हो गया आपका ओम मीटर इसका मात्रक। और ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक आपको मिलेगा ओम सेंटीमीटर। ठीक है, इस मात्रक को हम ओम मीटर को ऐसा ही मात्रक कहते हैं, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है बेटा, तो इसके आधार पर अब कुछ है विशेष क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए, इनको सबको आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इन जो मैं प्रश्न अब बताने जा रहा हूँ, इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% में 100% जरूर फंसेगा जाके, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ यहाँ से हर बार UPPCL की TE2 अथवा JEE की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, और जितनी भी आज तक परीक्षाएं हुई हैं हर स्थान पर यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना इनको और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसको नोट में लिखना ही है, नोट नंबर 1। इसमें क्या लिखना है इसके बारे, इसके विषय में सुन लीजिए। यहाँ लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। कैसे, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के सीधे समानुपाती होता है। अब बेटा अभी कहोगे कि सर जी अभी तो आप बता रहे थे कि जो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ये लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, और अब बताने लगे कि जो प्रतिरोध है जो चालक की लंबाई के किसके, वर्ग के सीधे समानुपाती है, ये क्या चक्कर हो गया। तो यहाँ पर एक चक्कर हो गया है, ये ऐसा चक्कर है कि इस स्थिति में जब जब जो रेजिस्टेंस होगा आपका ये लंबाई के वर्ग के सीधे समानुपाती जब होगा, जब इसमें वी, और इसको कहते हैं हम आयतन, इसको स्थिर कर दिया जाए, जब आयतन को स्थिर कर दिया जाएगा तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा ये चालक की लंबाई के वर्ग के सीधे समानुपाती हो जाता है। और इसको डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, जरा देखिए इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, अभी अभी आपने जो फॉर्मूला लिखा है R इक्वल टू रो एल बटे ए, कुछ मत करिए, इसके अंश और हर में आप केवल L से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा ये होगा रो, और यहाँ हो जाएगा आपका L स्क्वायर बटे, ये होता है आपका क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल में एक विमा और जोड़ देंगे तो हो जाएगा बेटा यहाँ पर आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयतन है, अब इस आयतन को यदि कांस्टेंट कर दिया जाए, और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, जब आयतन को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में स्क्वायर में। ठीक है, इस बात को याद रखना, हमारी बात को। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ से इसको डिफाइन किया जा सकता है और ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ क्या बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। जो अभी अभी मैंने पॉइंट लिखे थे उसके जस्ट यहाँ पर कुछ अपडेट वर्जन है। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा,
होता है। यहां से देखते हैं बेटा, जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था उसी फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। इसको निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू रो एल बटे ए, इसके दोनों पक्षों में हम लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फॉर्मूला जो है ये R बराबर रो, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बटे वी, ये हो जाता है। यहाँ से V को कॉन्स्टेंट कर देते हैं और आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस सेकेंड पॉइंट को निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को हम दोबारा लिखते हैं, ये होता है R बराबर रो एल बटे ए। इस पॉइंट को निकालने के लिए L से मैंने मल्टीप्लाई किया था, और सेकेंड पॉइंट निकालने के लिए हम A से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों पक्षों में, ठीक है। जब A से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हो जाएगा आपका R इक्वल टू रो L और A मिला करके हो जाता है क्षेत्रफल में, जब हम लंबाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बन जाएगा आयतन, और नीचे हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन का स्क्वायर। जब यहाँ पर आयतन को कॉन्स्टेंट कर दिया जाएगा तो बेटा आर जो है ये हो जाएगा आपका, आर जो है ये हो जाएगा वन अपान ए स्क्वायर, और यही आपके पॉइंट में इसमें लिखा गया है। इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब आयतन भी इसको क्या किया गया, स्थिर किया गया। जब आयतन स्थिर होगा, ठीक है ना, जब आयतन स्थिर होगा तो पोजीशन ये उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है ना। जब आयतन स्थिर होगा तब ये पोजीशन उत्पन्न हो जाएगी, और जब धारा स्थिर होगी तब आपकी पोजीशन हो जाएगी आर समानुपाती एल, और R समानुपाती L और R जो है ये वन अपान ए, इसमें धारा समानुपाती होती है और यहाँ पर आपका आयतन समान होता है, ठीक है बेटा। चलिए अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बेटा लास्ट तक बने रहिए हमारे वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप वीडियो में जितने आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे उतने आपको अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इनको सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि 100% परीक्षा में जरूर ही आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे मानव प्रतिरोध, एक हेडिंग डालेंगे मानव प्रतिरोध। इससे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बेटा इसको नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि जो मानव शरीर होता है ये विद्युत का चालक, मानव शरीर विद्युत का चालक, और ये ऊष्मा का भी चालक होता है। किसका? ऊष्मा का भी चालक होता है, ऊष्मा का भी चालक होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, जो मानव का शरीर होता है विद्युत और ऊष्मा दोनों का चालक होता है। इसके बाद जो चालक होगा, और एक पॉइंट है सेकंड, मानव शरीर में आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसके अतिरिक्त और विशेष पॉइंट हैं, गीली अवस्था में, ये पॉइंट परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, गीली अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे 700 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, 700 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से, और आपका होगा 1000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 700 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 1000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मानव के शरीर का गीली अवस्था में 1 सेंटीमीटर के हिस्से में 700 ओम से 1000 ओम के आसपास रेजिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, यह है सूखी अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध। तो सूखी अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो बेटा याद रखना, सूखी अवस्था में मानव शरीर का प्रतिरोध, ये जो साथ लिखा है
यही 700 लिख करके दो जीरो और बढ़ा दिए, मतलब 70,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से, और जो 1,000 लिखा हुआ है उस पर भी दो जीरो बढ़ा दीजिए, तो 1,000 और दो जीरो और, मतलब 1,00,000 हो जाएगा ये, 1,00,000 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। सूखी अवस्था में ये होता है और ये होता है गीली अवस्था में, ठीक है बेटा। तो इनको याद रखना। इसके अतिरिक्त कुछ पॉइंट और पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि 100 मिली एम्पियर से ऊपर की धारा जो होती है, कौन सी, 100 मिली एम्पियर, पॉइंट लिख लेना, पॉइंट नंबर 5, 100 मिली एम्पियर से ऊपर की धारा कौन सी, हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, 100 मिली एम्पियर से ऊपर की धारा जो है, धारा से मानव त्वचा जल जाती है, मानव त्वचा जल जाती है तथा व्यक्ति मर सकता है। ये भी पॉइंट अपना नोट कर लेना। इसके बाद दो पॉइंट और कुछ विशेष है, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट, इनको अपना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम 6 और 7 पॉइंट लिखने जा रहे हैं। पॉइंट 6 और पॉइंट 7, इसमें क्या है, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे विद्युत की चाल। आप लोगों को हर जगह बताया गया होगा कि जो विद्युत की चाल है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, और इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया होगा कि प्रकाश की भी ये चाल है, लेकिन ये बेटा गलत है। विद्युत की चाल और प्रकाश की चाल में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले विद्युत की चाल में लिखेंगे, विद्युत की चाल, तो विद्युत की चाल होती कितनी है, विद्युत की चाल इसको लिखेंगे 186,000 मील प्रति सेकंड। ये भी पेपर में पूछा गया, या इसी संख्या को किलोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2967, और इसके बाद दो जीरो और आएगा, ये आएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होती है विद्युत की चाल। इसके बाद बेटा जो 7 नंबर है, यहाँ लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो ये क्या होती है, तो प्रकाश की चाल जो है वो हम लिखेंगे 2997 6, 2997 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। अथवा इस संख्या को हम लोग, ये संख्या इतने करीब है कि इसको हम 3×10^8 पॉइंट गिनिए जरा। के को कहा जाता है 1,000, के को कहा जाता है 1,000, इसके बाद 3 पॉइंट यहाँ हो गए, इसके बाद गिनना चालू करिए 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ 10^8 जो होगा ये अब बदल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। इसी को, प्रकाश की चाल को ही एक पॉइंट में और पूछा जाता है, 3×10^10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है, और ये एग्जैक्ट प्रकाश की चाल है। ये दोनों एग्जैक्ट जो है विद्युत की चाल है, परंतु कभी कभी इसको जो है 2.9 यहाँ पर लिखा है, तो इसको भी 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया जाता है। परंतु मोटे तौर पर अब ये पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता है, परंतु ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आज मैंने जो लास्ट में क्वेश्चन लिखे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है, इनमें से ज़्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग और बचा हुआ है, जिसको नोट करेंगे आप, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम RTC भी कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक हेडिंग डालेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जीरो के द्वारा इसको हम
प्रदर्शित करते हैं और इसी को कहते हैं RTC, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसी को RTC भी कहा जाता है। JEE की परीक्षा में जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जीरो है, इसको RTC के नाम से पूछा गया है। तो यहाँ बेटा इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम, किसी चालक या पदार्थ का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है, वह वृद्धि उस पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। यह कहा जा रहा है यदि कोई चालक आपके पास है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़कर के 1 डिग्री हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और फिर उसमें जो इकाई जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई टेम्परेचर के बदलने के कारण जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई, ठीक है ना, वह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी चालक का क्या कहलाएगा, RTC कहलाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा, अल्फा जीरो कहलाएगा, RTC कहलाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। इसके कुछ विशेष फॉर्मूले हैं जिनके आधार पर विद्युत उत्पादन और UPPCL हमेशा से ही प्रश्न पूछता आया है। तो बेटा R0 बराबर होता है RT, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस, और इसके बाद होता है यहाँ पर वन प्लस अल्फा जीरो और डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, ये आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, और ये आपका है तापमान के बदलने के बाद अंतिम प्रतिरोध जो होता है, अंतिम टेम्परेचर पर ये प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये आपका RTC है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये डेल्टा टी है, ये ताप परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन, यहां पर ताप परिवर्तन रखा जाता है। डेल्टा टी जो होता है यहां होता है T2 - T1, इसको रखा जाता है, और ये टेम्परेचर जो होता है ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड में लिया होता है, ठीक है बेटा। और इसके बाद कुछ अल्फा जीरो को हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अल्फा जो होगा यहाँ से अल्फा को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये होगा आपका RT - R0/RT, इससे जो है R0T लिखेंगे, R0T, इस वाले फॉर्मूले को हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं आराम से, इस वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूला आ जाता है। और बेटा जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा जीरो का मात्रक जो होगा, इसको कहते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो अल्फा जीरो जो होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। बेटा हम आपको बहुत ही गहराई से पढ़ाएंगे, चैनल नया है तो क्या हुआ, हम तो पुराने हैं, और बेटा आपको हम 100% में 100% सिलेक्शन दिला करके ही रहेंगे। तो आपसे एक आग्रह है कि हमारे चैनल को कम से कम अपने मित्रों में 2 से 3 या 4, या अगर कोई आपके पास स्पेशल ग्रुप है तो उसमें भी हमारे चैनल को सेंड करिए, और बताइए कि जितेंद्र सर जो है पढ़ाने लगे हैं ऑनलाइन। तो अब
जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उनका तो सिलेक्शन तय है। ठीक है बच्चों, और आरटीसी से संबंधित कुछ और विशेष प्रश्न हैं जिनको मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के पार्ट 4 मतलब नेक्स्ट डे अगले दिन देंगे। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।